हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंसेप्शन सिक्स मिरर अ कंपिटेटिव कोडिंग कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय एस एनआईटी सूरत दैट इज ट्रिपलेट काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सेगमेंट्रीज का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा ऑल्सो इस वीडियो का जो प्री रिक्वेसिट है वो है सेगमेंट्रीज हम यहाँ पे सेगमेंट्रीज अलग से डिस्कस नहीं करने वाले फिर वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू रीड आउट द क्वेश्चन आई हैव गिवन द लिंक टू द क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन ज लेट एस स्टार्ट बायरस्टैंडिंग द्वेश्चन थ्री प्लेट सम यू आर गि एन एरे एफ एन इन टीचर्स क्या बोला गया है कि हमें एक एरे ए दिया गया है जिसमें कि एन इन टीचर्स है ठीक है वी डिफाइन द्रिपलेट समय एफ टी वे टी इज अ ट्रिपलेट इफ फॉर एनी ट्रिपलेट टी गिवन कंडीशन आर ट्रू देन इट इज अ वैलिड एंड ठीक है क्या बोला गया है एफ ऑफ टी फंक्शन दिया गया है जहां पे ये जो टी है वो एक ट्रिपलेट है ठीक है और इसका मतलब क्या है समीशन आई वन से थ्री टी आई। मतलब कि कोई एक ट्रिपलेट है ठीक है जैसे टू फाइव ट्रिपलेट हो गई तो उस ट्रिपलेट पे एफ ऑफ टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टू प्लस फाइव प्लस सिक्स थर्टीन ओके अब आगे क्या बोला गया है

करेस्पॉडिंग उनकी वैल्यू भी ए आई लेस देन एस दिन ए के हो तो इसको हम वैलिड ट्रिपलेट बोलेंगे ठीक है और ये एफ ऑफ टी फंक्शन है उन तीनों का सम फाइंड आउट द सम ऑफ दी ओवर ऑल द वैलिड ट्रिपलेट्स अ ट्रिपलेट फिर आगे ट्रिपलेट की डेफिनेशन दी गई है और कंस्टेंस दिए गए हैं ठीक है क्या बोला गया है कि हमें फाइंड करना है फाइंड आउट द सम फाइंड आउट दी समी ओवर ऑल वैलिड मतलब कि एक A दिया गया है, N का, उसमें जितने भी वैलिड होंगे ऑल ठीक है सभी का एफ ऑफ टी का सम निकालना है सभी वैलिड त्रिप्लेट का एफ ऑफ टी निकालना है और उनका सम निकालना है फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एन की वैल्यू है फोर और एलिमेंट्स है फोर वन टू थ्री तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कितने त्रिप्लेट्स बनेंगे वन टू थ्री और यहाँ पे भी फोर है सॉरी फाइव ठीक है सो वन टू थ्री वन टू फोर वन थ्री फोर ये हो गया वन से स्टार्ट होने वाले फिर टू थ्री फोर ठीक है वन टू फोर आ गया वन थ्री फोर आ गया वन टू थ्री आ गया ओके okay, तो इनका सम क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सिक्स ये क्या हो जाएगा सेवन ये क्या हो जाएगा एट और ये क्या हो जाएगा नाइन इन सब का सम क्या होगा नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन थर्टी तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो गया थर्टी ये जितने भी वैलिड ट्रिप्लेट्स थे उनकी एफ ऑफ टी वैल्यू निकाली और उनका सम निकाला ठीक है ये वैलिड क्यू है क्योंकि ये आई लेस देन जे लेस देन के इंडेक्स के लिए ए आई लेस देन ए जे लेस देन ए के है ठीक है तो ये क्वेश्चन है काफी सिंपल है अंडरस्टैंडिंग में आई होप समझ में आ गया है अब कंसेप्ट जम करते हैं तो अब कंसेप्ट के बारे में सोचे तो सबसे पहले तो अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड के बारे में सोचे तो हम ये कह सकते हैं मान लो कोई है हमारा आंसर वेरिएबल इसको हम जीरो ले लेते हैं ठीक है इनिशियली फिर फॉर i इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस एन हमारे एरे की साइज है ठीक है फिर एक और लूप फॉर j j j i n, फिर और एक loop for k equals to j plus one, k j n, k plus ठीक plus, है तीन फुल लूप हो गए ठीक है यहाँ पे i इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे i plus one से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे j plus one से स्टार्ट हो रहा है अब वैलिड त्रिप्लेट की कंडीशन चेक कर लेते हैं इफ of ऑफ is इज लेस देन of j एंड a ऑफ j ठीक है इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली बट यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है टू इंटू टेन की पावर फाइव है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे इस इस ब्रूट फोर्स मेथड की एन क्यूब ओ ऑफ एन क्यूब तो ये कितना हो जाएगा टू इंटू टेन की पावर फाइव का क्यूब मतलब एट इंटू टेन की पावर फिफ्टीन टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी ये कभी होगा ही नहीं गिवन टाइम लिमिट में तो हमें कुछ बेटर टाइम लिमिट सोचना पड़ेगा पहली बात अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए गए हैं तो एक तो हम क्या कर सकते हैं हम ओ एन स्क्वेल लगा सकते हैं मतलब कि दो फोर लूप लगा सकते हैं और थर्ड एलिमेंट की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं ठीक है मतलब कि हम क्या कर सकते हैं मान लो फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस ठीक है फिर फॉर जे इक्वल टू आई प्लस वन जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस फिर इफ ए ऑफ आई इज लेस देन a ऑफ जे अगर ये कंडीशन सही है मतलब पहली कंडीशन सही है तो हम कुछ मान लो कुछ ये प्रोसेसिंग पहले से करते हैं अभी वो डिस्कस नहीं करते क्योंकि आगे जो हमारा फाइनल जो कंसेप्ट है उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होगा बट अगर हम ऐसा कुछ करें अब हम कुछ ऐसा करें कि हमें बहुत कम टाइम में जे के आगे के इंडेक्स वाले जितने भी इंडाइसिस हैं ठीक है जहाँ पे आ, मतलब कि यहाँ पे आई लेस देन जे है अभी जे से जितने भी बड़े इंडेक्सेस है जे प्लस वन से लेके एन माइनस वन तक उनमें जितने भी इंडेक्सेस पे ऑफ जे से बड़ी वैल्यू है ठीक है वो पता चल जाए किसी तरह से शॉर्ट टाइम में कितने ऐसे नंबर से वो पता चल जाए तो यहाँ पे हम आ, उन, उनको आंसर में ऐड कर सकते हैं मतलब कि ए ऑफ आई हमारी त्रिप्लेट का पहला एलिमेंट है ए ऑफ जे सेकेंड एलिमेंट है अगर हमें पता चल जाए कि ए ऑफ जे के आगे मतलब Jth इंडेक्स के आगे कितने ऐसे एलिमेंट है जो कि ऑफ जे से बड़े हैं मान लो पी वन एलिमेंट्स है एलिमेंट तो हम ये कह सकते हैं देखो आई और जे तो फिक्स हो गए हमारे त्रिप्लेट में से आई जे और के हमें चाहिए ठीक है, है अब ए आई लेस देन ए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई आई और जे फिक्स हो गए अभी मान लो के जो है मतलब ऐसे वैलिड इंडेक्सेस p1 है नंबर ऑफ इंडेक्सेस जहां पे a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ k ये सेटिस्फाई करता है मान लो कि इसी तरह से हम बहुत कम टाइम में निकाल लेते तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं आंसर इक्वल टू पहले तो इन दोनों को फिक्स करके ऐसी कितनी ट्रिपलेट्स बनेंगी p1 क्योंकि ये दोनों फिक्स है और अगर ट्रिपलेट की बात करें तो ये और ये फिक्स है यहां पे p1 ऑप्शंस है हमारे पास तो टोटल कितनी हुई ट्रिपलट्स बनेंगी p1 तो हम कह सकते हैं आंसर इक्वल टू आंसर प्लस p1 टाइम्स a ऑफ i प्लस a ऑफ j क्योंकि वो ये p1 ट्रिपलट्स में पार्टिसिपेट करेंगे अब अगर थर्ड एलिमेंट का भी सम चाहिए तो ये p1 एलिमेंट्स का सम मान लो हमें पता है ठीक है वो है मान लो p2 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वैलिड एलिमेंट्स ये है उन एलिमेंट्स का सम वो p2 है तो हम कह सकते हैं आंसर इक्वल टू आंसर प्लस पी टू ठीक है बट इसमें भी क्या हो रहा है दो फोल लूप लग रही है तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो हो जाएगी एन स्क्वायर ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा फोर इंटू टेन की पावर टेन जितना हो जाएगा तो ये भी टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगी ठीक है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं या तो इसको लिनियर टाइम में कर ले या तो फिर मतलब कि एन या तो फिर एन लॉग इन में कर ले ठीक है, Linear जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है यहां पे क्योंकि तीन एलिमेंट्स हमें चाहिए एक के मतलब आई और जे इंडेक्स को फिक्स कर रहे थे और इन दोनों फिक्स्ड एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है थर्ड एलिमेंट की वो है पी वन वो देख रहे थे ठीक है इसकी जगह अगर हम एक को ही फिक्स करें ठीक है और बाकी दो की वैल्यूज अगर हम शॉर्ट टाइम में निकाल पाए तो हमारा क्वेश्चन है वो ओ ऑफ एन में या एन लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है यहां पे भी मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी ठीक है यहां यह की वैल्यू और पी टू की वैल्यू को कितना टाइम लगेगा वो तो अलग बात है ये सिर्फ दो फोर लूप की स्क्वायर हो जाएगी इसकी अलग से होगी तो अब हम यहां पे जैसे हमने दो एलिमेंट को फिक्स किया वैसे किसी एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं और बाकी दो की वैल्यूज निकालने की ट्राई करते हैं अब तीन एलिमेंट है मान लो मैं आई इंडेक्स को फिक्स करता हूं ठीक है तो उससे बड़ी और उससे भी बड़ी ऐसे दो वैल्यूज हमें चाहिए होगी तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मतलब इससे बड़ी वैल्यूज और उससे भी बड़ी वैल्यूज इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें भी एन स्क्वायर जितना टाइम लगेगा ठीक है तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन होगी इससे छोटी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू अगर हम इसको फिक्स कर दें मतलब कि रिप्लेट में अगर आईथ इंडेक्स को फिक्स कर दें तो इससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड और इससे बड़ी वैल्यूज राइट साइड ये पता चल जाए शॉर्ट टाइम में अगर हमें तो हमारा क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो सकती है ठीक है तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चलना चाहिए देखो अगर मुझे पता चल जाए कि इस तरफ P1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू मान लो इसको मैं J इंडेक्स लेता हूं इंडेक्स के लेफ्ट साइड P1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू P1 ऐसे इंडेक्स है जहां पे ए आई इज लेस देन ए जे है ठीक है और इन सभी P1 एलिमेंट्स का जो सम है वो है Q1 मान लो ठीक है अभी अगर मुझे ये भी पता चल जाए शॉर्ट टाइम में कि जे के राइट हैंड साइड पे मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले ए ऑफ के इज लेस देन ऑफ J ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले पी टू एलिमेंट्स हैं और इन सभी एलिमेंट्स का सम क्यू टू है ठीक है तो अब J एलिमेंट को त्रिप्लेट का मिडल जेथ एलिमेंट को त्रिप्लेट का मिडल एलिमेंट ट्रीट करते हुए मेरे पास कितनी त्रिप्लेट्स बनेगी और उनका सम क्या होगा देखो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस पहले तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितनी होगी आप देखो ये फिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे पी वन ऑप्शन से जहां पे ए आई लेस देन एज है राइट हैंड साइड पे पी टू ऑप्शन से जहां पे ए के ग्रेटर देन एज है इसका मतलब इसको फिक्स रखते हुए टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जो वैलिड बनेगी वो होगी पी वन यहां पर पी ऑप्शन है यहां पर पी ऑप्शन है ये फिक्स है ठीक है तो जो सेंटर एलिमेंट है वो P1 वन इंटू पी टू त्रिपलेट्स में पार्टिसिपेट करेगा तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस P1 वन इंटू पी टू इंटू ए ऑफ जे क्योंकि ये तो फिक्स है ना तो ये सभी त्रिपलेट्स में पार्टिसिपेट करेगा ठीक है तो इसका हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया अब मुझे चाहिए कि इस तरफ वालों का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है प्लस मुझे क्या चाहिए कि इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अब यहां पे कोई भी एक एलिमेंट होगा ए आई ठीक है उसको भी अगर मैं फिक्स कर दू ये भी फिक्स है तो ऐसी कितनी ट्रिपलेट्स बनेगी P2 क्योंकि ये भी अगर मैं फिक्स कर देता हूँ ये भी फिक्स कर देता हूँ तो राइट हैंड साइड पे P2 टू ऑप्शन है इसका मतलब यहां पे हर एक एलिमेंट है वो P2 नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स में पार्टिसिपेट करेगा ठीक है तो हम कह सकते हैं P2 टू इस तरफ का हर एक एलिमेंट P2 नंबर ऑफ जो है थ्री उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इन दोनों को अगर मैं फिक्स कर देता हूं तो P2 ऑप्शंस बचते हैं तो P2 टू इन टू अब इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है Q1 तो मैं कह सकता हूँ P2 टू इन टू क्यू वन प्लस सिमिलरली यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ए के अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो इन दोनों को फिक्स करने पर यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी पी वन इसका मतलब यहाँ का हर एक एलिमेंट पी वन नंबर ऑफ थ्रीप्लेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो इस तरफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम है क्यू टू सभी के सभी एलिमेंट्स पी वन टाइम्स रिपीट हो रहे होंगे मतलब पी वन थ्री प्लेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो इस तरफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा उनका सम इन टू नंबर ऑफ टाइम्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है समझ में आ गया क्विक रिविजन आंसर इक्वल टू आंसर प्लस ये जो जेथ एलिमेंट है वो अपना कंट्रीब्यूशन कितना देगा अगर हम इसको फिक्स कर दे अगर यहाँ पे पी वन पॉसिबिलिटी है जहां की ए ऑफ आई लेस देन ऑफ जो है और पी टू ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे ए ऑफ के ग्रेटर देन ए ऑफ जो है तो पी वन इंटू पी टू इंटू ए जे ठीक है इस तरफ के एलिमेंट्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर मैं यहाँ पे किसी ए आई को फिक्स कर देता हूँ तो वो कितनी बार रिपीट होगा अगर ये दोनों को फिक्स कर दिया जाए तो पी टू एल ट्रिपलेट ऐसी होंगी ठीक है तो यहाँ का हर एक एलिमेंट पी टू टाइम्स रिपीट होगा मतलब पी टू थ्री प्लेट्स में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ के एलिमेंट्स का सम है क्यू वन मतलब क्यू वन इंटू पी टू फिर यहाँ का कोई एक एलिमेंट है एक के अगर उसको फिक्स कर दे ये तो फिक्स है ही तो यहाँ का हर एक एलिमेंट कितनी थ्री प्लेट्स में पार्टिसिपेट करेगा पी वन इसका मतलब यहाँ पे टोटल सम क्यू टू है सभी वैलिड इंडेक्सिस uh, का और Q2 जो सम है वो सभी के सभी इंडेक्स P1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो Q2 टू इंटू पी वन तो चेथ इंडेक्स को फिक्स रखते हुए मुझे इतना सम मिल रहा है ठीक है तो अगर मैं इनिशियली आंसर को जीरो ले लूँ यहां पे मैं वो मॉड्यूलो मॉड नहीं लगा रहा है। ठीक है वो आप जिसे ही कोड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आंसर बहुत बड़ा होगा तो हमें बोला गया है कि हर, हर पॉइंट पे मॉड्यूलो मॉड लगाना है ठीक है ओके अब हमें बोला गया है कि फाइनल आउटपुट में ये मॉड्यूल और मॉड लगाना है बट हर एक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए वो जैसे ही आप कोड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा अभी हम कंसेप्ट देख रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे लेकिन अभी मतलब वो भी सिंपल है अगर सेगमेंट्री आपको पता है तो अब आंसर को मैं ज़ीरो कर देता हूँ ठीक है फिर फॉर आई इक्वल्स टू वन आई एस लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस ठीक है अब मैंने वन से एन माइनस वन तक क्यों लिया क्योंकि अगर मान लो ये मेरा एरे है ये लास्ट एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं होगा तो इसको मिडिल कर सकते सिमिलरली राइट लास्ट एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते तो ये सब क्या है मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए जे ले लेता हूं जे इक्वल टू वन जेस एन माइनस वन जे प्लस प्लस ये जो चे है उनको मिडल एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ठीक है तो हर एक पॉइंट पे हम ये जो फॉर्मूला है ठीक है ये यहां पे अप्लाई कर देंगे इनिशियली आंसर की वैल्यू जीरो होगी और इसका मतलब ये है मान लो ये हमारा एरे है तो इसको मिडल एलिमेंट की तरह ट्रीट करने पे हमारा आंसर क्या होगा वो हम कर देंगे फिर इसको मिडिल एलिमेंट की तरह ट्रीट करने पे आंसर क्या होगा वो वो हम यहां पे रख देंगे इसको मिडिल एलिमेंट की तरह ट्रीट करने पर आंसर क्या होगा वो एड कर देंगे सिमिलरली फॉर दिस टू ठीक है तो ये हमारा एक ही फोल्ड लूप में हो जाएगा प्लस ये पी वन पी टू पी टू क्यू वन क्यू टू पी वन इनको निकालने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे आएगा और बाकी एक फोल्ड लूप लगेगा ठीक है तो अब कुछ सोच सकते हैं एंड लॉग एन जैसा ठीक है तो ये हमें करना है ठीक है अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं कंसेप्ट समझ में आ गया मिडल एलिमेंट को फिक्स करते ही हमारा जो क्वेश्चन है वो एक फुल में चेंज हो गया और लेफ्ट और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर हम एफिशिएंट टाइम में निकाल पाए तो मतलब कि पी वन पी टू पी टू क्यू वन और क्यू टू ठीक है अब इंप्लीमेंटेशन पे जम्प करते हैं ओके okay, तो अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी आ, अच्छे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ तो अब हमें चाहिए क्या पी वन Q1, P2, Q2. बाकी तो सब हमारे पास है हर एक एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट की तरह ट्रीट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है अभी आप कंस्ट्रेंट की तरफ मत देखना वो डाउट आ सकता है जब आप इम्प्लीमेंटेशन देखें लेकिन वो एंड में हम डाउट को सॉल्व कर देंगे यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंस लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद आए कि एंड में इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ओके अब P1 क्या है कि कोई भी जे इंडेक्स है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने से नंबर है जो उससे छोटे हैं Q1 क्या है वो जो छोटे एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे उनका सम सिमिलरली P2 क्या है राइट हैंड साइड पे A ऑफ जैसे कितने बड़े एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन A ऑफ J और Q2 क्या है जो राइट हैंड साइड पे बड़े एलिमेंट्स है उनका सम ओके okay. अब मान लो मैं चार सेगमेंट्री लेता हूं B1 B2 C1 और टू कोड बे भी मैंने यही लिए है इसलिए मैं यहां पे यह लिख रहा हूं ठीक है अब और मैं पैर एलिमेंट्स लेता हूं मतलब कि पैर कंस्ट्रेंट्स ठीक है पैर एलिमेंट्स लेता हूं एल एल मतलब लॉन्ग लॉन्ग ठीक है ए वन और ए टू ए वन और ए टू इनकी साइज क्या होगी एन ठीक है अब पहले तो मैं ये बता दूं कि यहां पे हम क्या स्टोर करेंगे जो ए वन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिनोट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ए ऑफ मतलब कि अगर ए वन ऑफ जे है तो उसमें जो फर्स्ट पैर में फर्स्ट एलिमेंट है वो डिनोट करेगा कि जे से लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स ऐसे जो ए ऑफ से छोटे हैं मतलब कि पी वन फिर ए वन ऑफ जे में जो सेकेंड एलिमेंट है पैर में ठीक है वो क्या डिनोट करेगा क्यू वन मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर से ए ऑफ से छोटे उनका सम क्या है सिमिलरली ए टू ऑफ जे ए टू ऑफ जे इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या डिनोट करेगा कि राइट हैंड साइड पे कितने ए टू ए ऑफ जैसे बड़े एलिमेंट है मतलब कि पी टू और ये राइट हैंड साइड पे जो भी बड़े एलिमेंट्स है उनका सम क्यू टू ओके अब चार सेगमेंटरी मैंने ले ली है ठीक है यहां पे मैं क्या स्टोर करूंगा नंबर ऑफ नंबर्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं स्टोर करूंगा कि मान लो अगर मैं इस पे क्वेरी रन करता हूं हंड्रेड से टू हंड्रेड ठीक है तो ये मुझे क्या देगा कि हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच के एलिमेंट्स कितने हैं मतलब कि अगर 101, 102, 103 है तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा थ्री हंड्रेड से टू हंड्रेड के बीच में तीन एलिमेंट है सिमिलरली ये क्या स्टोर करेगा कि उन एलिमेंट्स का सम क्या है मतलब कि अगर यहां पे मैं 100 से 200 के बीच में क्वेरी रन करूं ठीक है और ये सेम है इनपुट 101, 102, 103 इनके बीच में तो ये क्या रिटर्न करेगा इनका सम मतलब कि 306 रिटर्न करेगा, करेगा C2 B2 की तरह काम करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सम रिटर्न करेगा उनमें डिफरेंस क्या है चलिए देखते हैं अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर मान लो ये हम P1 Q1 P2 Q2 यही तो मिसिंग है अगर इनको हम सारी जे वैल्यूज के लिए फिल कर दे जीरो से लेके n वन तक तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है ये जैसे ही फिल कर दिया हमारा काम हो गया तो अब देखते हैं कि ए वन की वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे ठीक है फिर ए टू की देखेंगे अब यहां पे बी वन में हम क्या स्टोर करेंगे अगर मान लो जैसे कि अगर ए वन फिल करना है ठीक है तो मैं एक फुल लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन तक तो अगर मान लो ये है जीरो एन माइनस वन अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं मान लो जे ठीक है और मैं ए वन फिल कर रहा हूँ मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऐसे एलिमेंट है जो ए ऑफ से छोटे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट उनसे छोटे हैं उनका सम क्या है तो जब भी मैं कोई एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करूंगा ये बी वन और बी टू क्या स्टोर करेंगे अगर मैं अभी जेथ इंडेक्स पे हूं तो इससे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है उनकी काउंटिंग B1 में स्टोर होगी ठीक है काउंटिंग ये बी वन में स्टोर होगी और ये जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो सम है वो बी टू में स्टोर होगा समझ में आ गया अब जैसे ही मैं जेथ इंडेक्स पे आऊंगा तो मैं क्या क्वेरी रन करूंगा मैं क्वेरी रन करूंगा कि मान लो मेरा जो जीरो इंडेक्स है ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो इंडेक्स है अगर आपको सेगमेंटरी पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो जीरो इंडेक्स है बी वन का क्योंकि मुझे ए वन ऑफ फर्स्ट और सेकेंड फिल करना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो वैल्यू से लेकर अब यहां पे कंस्टेंट मान लो अभी के लिए कि ए ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल टू टू इंटू टेन की पावर फाइव है ठीक है जो जीरो इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो से लेके टू टू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज़, ठीक है ओके मुझे चाहिए जीरो से लेके ऑफ जे माइनस वन तक की वैल्यूज ठीक है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये इंडेक्स है जीरो थे इंडेक्स जीरो से लेके ट्वेंटी टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है बी वन में और मुझे जो चाहिए मेरी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है रेंज का वो है जीरो से लेके ऑफ जे माइनस वन तक का मतलब कि और इसको मैं बी वन एरे में पास कर दूंगा ठीक है मतलब कि जैसे ही ये तो समझ में आ गया कि जो B1 का इंडेक्सिस है वो जीरो इंडेक्स जीरो से लेके लेकर ट्वेंटू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है अब इसकी वैल्यू A ऑफ J है हमें क्या चाहिए कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इससे छोटी वैल्यूज़ कितनी हैं तो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो सकती है और मैक्सिमम A ऑफ J माइनस वन हो सकती है तो हमें B1 में से इस रेंज की क्वेरीज चाहिए ये हम पास कर रहे हैं तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा रिटर्न्स नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन ए ऑफ़ जे अब आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ ये रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन जे लेकिन उन, उनका जो इंडेक्स है वो भी जे से कम होगा वो कैसे हम अश्योर करेंगे मैंने क्या बोला था कि बी वन और बी टू वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि जे के पहले की हो तो अगर हम जेथ इंडेक्स पे हैं, तो हम इन वैल्यूज को ऐड ही नहीं करेंगे अभी तक जैसे कि अगर हम जेथ इंडेक्स पे पहुंचे तो मैंने ये क्वेरी रिटर्न की ये क्या रिटर्न करेगा नंबर ऑफ नंबर लेस देन ऑफ़ जे तो इसको मैं किसमें स्टोर कर लूंगा ए वन ऑफ जे डॉट फर्स्ट इसको मैं इसमें स्टोर कर लूंगा मतलब कि ए ऑफ जे से नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन ऑफ जे ठीक है दूसरी क्वेरी में क्या करूंगा ए ऑफ जे डॉट सेकेंड इज इक्वल टू क्वेरी ये सेम रहेगा ये सेम रहेगा ये सेम रहेगा ये सेम रहेगा लेकिन मैं बी टू सेगमेंट थ्री पे अप्लाई करूंगा वो क्या रिटर्न करेगा कि जीरो से लेके ए ऑ ऑफ जे माइनस वन तक जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनका सम रिटर्न करेगा ठीक है तो वो मुझे इसमें मिल गया मतलब मेरा पी वन और क्यू वन मिल गया जब हमें पी वन और क्यू वन मिल जाएगा उसके बाद हम ए ऑफ जो एलिमेंट है वो हम बी वन और बी टू में ऐड करेंगे मतलब कि कोई इंडेक्स का आंसर मिल गया उसके बाद उसकी वैल्यू हम बी वन और बी टू में अपडेट करेंगे तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे उनकी वैल्यूज हम बी वन और बी टू में ऐड करते जाएंगे तो अगर मैं यहाँ पर पहुँचाऊँ तो अभी तक इतनी एलिमेंट्स की वैल्यू ही बी वन और बी टू में प्रेजेंट है समझ में आया अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपडेट जीरो इंडेक्स जीरो से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है मुझे कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है ए ऑफ जे ठीक है और इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगी वन बी वन सेगमेंट्री के लिए इसको मैं समझा देता हूं ये जो सेगमेंट्री है बी वन उसका जो जीरो नोड है वो जीरो से टू इंटू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है मुझे कौन सी अपडेट करनी है ए ऑफ जे की लेकिन उसकी वैल्यू को अपडेट मतलब इस इंडेक्स की वैल्यू मुझे अपडेट करनी है ठीक है मतलब कि ए ऑफ जे का जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स होगा इस सेगमेंट्री में उसकी वैल्यू मुझे एक से बढ़ानी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो वैल्यू मुझे बढ़ानी है ठीक है ये वन क्यों बढ़ानी है क्योंकि ये बी वन एरे है बी वन एरे क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ नंबर्स तो अगर ए ऑफ जे इंडेक्स पे मैं वन वैल्यू बढ़ाऊंगा इसका मतलब कि ए ऑफ जे की काउंटिंग में एक से बढ़ा रहा हूं ठीक है सिमिलरली मैं दूसरी जब क्वेरी करूंगा अपडेट की तो वहां पे इसको मैं ऑफ जे कर दूंगा और इसको मैं बी टू कर दूंगा क्योंकि बी टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सम रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी एलिमेंट्स है उनका सम रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए ऑफ जे इंडेक्स पे मुझे वैल्यू बढ़ानी है बट कितनी ए ऑफ जे जितनी ही क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सभी एलिमेंट्स का सम चाहिए ना काउंटिंग नहीं चाहिए काउंटिंग होती तो एक से ही इंक्रीमेंट करते अगर सम चाहिए तो ए ऑफ जे से इंक्रीमेंट करेंगे ठीक है और बी टू सेगमेंट्री पास करेंगे ठीक है तो अब पहले हमने जब जेथ एलिमेंट के लिए क्वेरी रन की तब हमने यहाँ तक के एलिमेंट्स को अपडेट कर दिया होगा तो हमें आंसर भी इतने एलिमेंट्स का ही मिलेगा फिर हम चेत इंडेक्स के लिए दोनों क्वेरी रन कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम चेत एलिमेंट को भी अपडेट कर देंगे दो क्वेरी से एक तो काउंटिंग की बी वन और फिर जो है वो सम के लिए बी टू ठीक है तो अब क्या होगा अब बी वन और बी टू सेगमेंट्री में जो डेटा होगा वो अब पहले यहां तक का था जब हम जेथ इंडेक्स के लिए क्वेरी रन कर रहे थे अब वो यहां तक का हो गया अब हम जे प्लस वन इंडेक्स के लिए जब क्वेरी रन करेंगे तो इतना डेटा सेगमेंट्री में स्टोर होगा फिर जब जे प्लस टू के लिए जाएंगे तब इतना डेटा सेगमेंट्री में होगा एंड सोन, so ठीक है तो एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे और इनिशियली ए वन ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू ए वन ऑफ जीरो डॉट सेकेंड इनको हम क्या कर देंगे जीरो कर देंगे क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट ही नहीं है जीरो इंडेक्स के ठीक है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता ठीक है तो इनको हम दोनों को जीरो कर देंगे ओके okay, तो इससे हमें ए वन और ए वन और मतलब पी वन और क्यू वन मिल जाएंगे सभी इंडेक्स के लिए हम एक लूप लगा देंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो सॉरी जे इक्वल टू जीरो जे इज लेस देन एन J++ और उसमें ये क्वेरी रन कर देंगे ठीक है यहां पे अपडेट मैंने एक ही लाइन में लिखा है बट दो क्वेरी है एक B1 के लिए और एक B2 के लिए ठीक है ओके तो इससे हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई सभी इंडेक्सेस के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट करेंगे अभी करनी हो तो अभी कर सकते हैं बाहर का फोर लूप है एन साइज का मतलब अगर मैं इतने की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो बाहर का फोर लूप जो है वो है एन साइज का जीरो से एन सभी पॉइंट पे हम दो क्वेरीज रन कर रहे हैं एक क्वेरी सेगमेंट्री में लॉग इन साइज की होती है लॉग एन लॉग एन और बाकी दो अपडेट क्वेरीज रन कर रहे हैं। वो भी लॉग इन साइज की होती है मतलब यहां पे टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? तो टू एन सॉरी यहां पे एन इन लॉग एन प्लस लॉग एन ठीक है प्लस एन इन लॉग एन प्लस लॉग एन ठीक है तो ये टू लॉग एन टू लॉग एन ये हो जाएगा फोर एन लॉग एन एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर लूप और फोर लॉग एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो क्वेरीज है और दो अपडेट वाले आ, हम रन कर रहे हैं फंक्शन तो सभी का लॉग इन होता है तो टोटल टो 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 चार हो गए ठीक है तो ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली अब आगे बढ़ते हैं अब आपको काफी क्लियर आइडिया गया होगा कि C1 और सी टू को भी कैसे कैलकुलेट करेंगे ठीक है अब हमें चाहिए C1 और C2 अब ये C1 और C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैंने कहा था C1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी जो इंडेक्स पे हम है अगर मैं यहां पे जेथ इंडेक्स पे हूं तो C1 में मेरे पास यहां तक जितने भी एलिमेंट्स है उनकी काउंटिंग स्टोर्ड होगी और C2 में यहां तक जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो सम है वो स्टोर्ड होगा तो हम हम क्या कर सकते हैं? मान लो किसी J की बात चल रही है ठीक है तो A2 टू ऑफ जे डॉट फर्स्ट अब यहां पे हमें क्या चाहिए यहां पे हमें चाहिए कि राइट हैंड साइड पे कितने एलिमेंट्स बड़े हैं ठीक है तो सिमिलरली ज़ीरो इंडेक्स जो है सेगमेंट्री का वो जीरो से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीन पहले पैरामीटर हो गए सेगमेंट्री से रिलेटेड अब मुझे कौन सी रेंज के एलिमेंट्स चाहिए मुझे चाहिए ए ऑफ जे प्लस वन से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव ऐसा क्यों क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ कि राइट हैंड साइड पे इससे बड़े एलिमेंट्स कितने हैं तो इसकी वैल्यू ए ऑफ जे है तो एफ जे प्लस वन से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव क्योंकि हमने अज्यूम किया है अभी कि ऑफ की वैल्यू लेस देन टू टू इंटू टेन की पावर फाइव है ठीक है और कौन सा से सेगमेंटरी पे हम अप्लाई करेंगे सी वन पे तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा सॉरी यहाँ पे फर्स्ट के बाद आएगा इक्वल टू क्वेरी मतलब कि हम ये क्वेरी रन कर रहे हैं ठीक है तो इसमें हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी जेथ एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स इस रेंज के होंगे ऑफ जे प्लस वन से लेकर टू इंटू टेन की पावर फाइव वो हमें इसमें मिल जाएंगे सिमिलरली ए टू ऑफ जे डॉट ये क्या होगा क्वेरी ये जीरो जीरो टू इंटू टेन की पावर फाइव ठीक है और मुझे ये भी सेम होगा ए ऑफ जे प्लस वन से टू इंटू टेन की पावर फाइव लेकिन सेगमेंट्री हमारा सी टू हो जाएगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सी टू का जो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो इस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 into 2 into 10 की पावर फाइव जीरो से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव हमें कौन सी रेंज चाहिए ए ऑफ जे प्लस वन से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव और सी टू सेगमेंटरी पे सी टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यह क्या रिटर्न करेगा कि ए ऑफ जे से बड़ी वैल्यू मतलब ए ऑफ जे प्लस वन से लेके टू इंटू टेन की पावर फाइव तक जितने भी एलिमेंट्स है अभी इसके राइट हैंड साइड पे उनका सम वो इसमें स्टोर हो जाएगा बेसिकली P2 मिल जाएगा कि राइट हैंड साइड पे कितने बड़े एलिमेंट्स है और Q2 मिल जाएगा कि राइट हैंड साइड पे जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या है ठीक है अब जैसे ही जेथ एलिमेंट के लिए हमने ए टू स्टोर कर लिया ए टू जे और ए टू ऑफ जे की वैल्यूज ले ली तो अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे इस सेगमेंट्री में अपडेट कर देंगे डेटा अपडेट जीरो इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेगमेंट्री का जीरो इंटू टू इंटू टेन की पावर फाइव हमें क्या हमें कौन से इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करनी है ए ऑफ जे उसकी काउंटिंग बढ़ानी है एक से जो कि सी वन सेगमेंट्री में होगा सिमिलरली अपडेट जीरो जीरो टू इंटू टेन की पावर फाइव ए ऑफ जे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ानी है ए ऑफ जे से बढ़ानी है और सी टू में क्योंकि C1 वन रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो A ऑफ J के करेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बढ़ेगा उसकी काउंटिंग एक से बढ़ेगी और C2 टू रिप्रेजेंट कर रहा है सम तो A ऑफ J के करेस्पॉन्डिंग उसका जो सम है वो A ऑफ J से बढ़ना चाहिए ठीक है ओके तो ये हमने अपडेट कर दिया अब हम जब J माइनस वन के लिए ऑपरेट करेंगे तब हमारे पास जब हम J के लिए ऑपरेट कर रहे थे तब हमारे पास इतना डेटा होगा अब जे के लिए ऑपरेट करने के बाद उसकी वैल्यू भी हमने सेगमेंट्री में अपडेट कर दी सी और सी में तो जे माइनस के लिए जब हम ऑपरेट कर रहे होंगे तब हमारे पास इतना डेटा होगा ठीक है सिमिलरली जब जे माइनस टू के लिए ऑपरेट करेंगे तो इतना डेटा होगा तो हम जैसे जैसे ऐसे एस, मूव करते जाएंगे वैसे वैसे डेटा अपडेट करते जाएंगे और क्वेरी करते जाएंगे ठीक है सो so बेसिकली यहाँ पे फोर लुक क्या लगेगा फॉर जे इक्वल्स टू एन माइनस वन झे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो झे माइनस माइनस ये फोलूप लगेगा और उसमें ये अंदर ये सब पास होगा ठीक है ओके okay. और, और एक चीज ए ऑफ एन माइनस वन सॉरी ए टू ऑफ एन माइनस वन डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू ए टू ऑफ एन माइनस वन डॉट सेकेंड इक्वल्स टू जीरो a2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट हैंड साइड पे कितने बड़े एलिमेंट्स हैं और उनका सम क्या है तो लास्ट एलिमेंट के लिए तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट ही नहीं है ठीक है तो इसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे और ये जो फॉर लूप है j equal to n 1 j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस माइनस ठीक है इसमें ये पास कर देंगे तो इससे क्या होगा अब a2 की वैल्यू भी हमारे लिए स्टोर हो जाएगी तो हमें P1 वैल्यू मिल गई सभी एलिमेंट्स के लिए Q1 मिल गई P2 मिल गई Q2 मिल गई ठीक है समझ में आ गया ओके इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा ये C1 और C2 को स्टोर करने के लिए B1 और B2 को जितना लगा था उतना ही होगा मतलब कि 4n log लॉग ठीक है ओके अब ये हो गया अब तो सिंपल हो गया हम क्या कर सकते हैं फॉर जे इक्वल टू वन जे इज लेस देन एन माइनस वन जे प्लस प्लस मतलब कि जेथ एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हुए हमें आंसर क्या मिलेगा आंसर इक्वल टू आंसर प्लस अब जैसा कि हमने देखा था कि अगर जेथ एलिमेंट को मैं फिक्स कर देता हूँ पी वन क्यू वन पी टू क्यू टू वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एलिमेंट्स है जो J से छोटे हैं, ठीक है तो P1, वन पी से मिलेगा? वन ऑफ जे डॉट फर्स्ट मतलब इंटू यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू यहां का सम जो हमने कंसेप्ट में देखा था मतलब कि Q2, मतलब कि A2 टू ऑफ जे डॉट सेकेंड ए टू ऑफ जे डॉट सेकेंड प्लस यहाँ की काउंटिंग और यहाँ का सम मतलब कि ए टू ऑफ जे डॉट फर्स्ट इंटू ए वन ऑफ जे डॉट सेकेंड तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा जब इसको हम मिडिल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे प्लस इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा नंबर ऑफ काउंटिंग दिस साइड इनटू नंबर ऑफ काउंटिंग दिस साइड इनटू इसकी वैल्यू मतलब कि ए वन ऑफ जे डॉट फर्स्ट इंटू ए टू ऑफ जे डॉट फर्स्ट इंटू ए ऑफ जे ठीक है तो ऐसा हम फोर लुप रन करेंगे तो नीचे हम जब यहां पर बाहर निकलेंगे तो हमारे पास आंसर होगा ठीक है यहां पर हर एक स्टेप पे मॉड्यूलर लगाना पड़ेगा वो आप कोड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी फोर एंड लॉग इन बी वन बी टू के लिए प्लस फोर एंड लॉग इन सी वन सी टू के लिए प्लस ये एक फोर लुक मतलब की एंड तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बिग ओ ऑफ एन लॉग एन ठीक है N N, अब बात रही कंस्ट्रेंट्स की तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अब कंस्ट्रेंट्स यहां पे पहले तो हमें प्रॉब्लमेटिक क्यू है देखो बी वन और बी टू है बी वन बी टू सी वन सी टू ठीक है इनमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि ए ऑफ जैसे छोटी वैल्यू इस सेगमेंट्री के मतलब कि इस सेगमेंट्री में हम स्टोर कर रहे हैं कि कोई भी ए ऑफ जो है तो उससे छोटी वैल्यूज कितनी है यहां पे उनका सम यहां पे राइट हैंड साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज कितनी है यहां पे राइट हैंड साइड पे जो बड़ी वैल्यूज है उनका सम तो अगर हमारा जो एलिमेंट्स है ठीक है उनकी रेंज अगर सेगमेंट्री में हमें जो रेंज होती है उससे कुछ आई थिंक फोर टाइम्स जितना एरे चाहिए होता है ठीक है आई एम नॉट श्योर अभी बट समथिंग लाइक दैट तो अगर हमारी रेंज ए ऑफ आई की टू इंटू टेन की पावर फाइव है तब तो हम एट इंटू टेन की पावर फाइव या तो टेन की पावर सिक्स का ये चारों चार एरे ले, ले लेंगे हमारा काम हो जाएगा मैंने क्वेश्चन में टेन की पावर सिक्स प्लस वन के लिए है आई थिंक टेन की पावर सिक्स या टेन की पावर सिक्स प्लस वन हमारा काम हो जाएगा लेकिन यहां पे a of टेन की, की पावर नाइन है तो अब हम फोर इंटू टेन की पावर नाइन की साइज के एर नहीं ले सकते वो सेगमेंटेशन एरर देंगे इतने मेमोरी हम नहीं ले सकते तो अब इसको कैसे करना है देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टू इंटू टेन की पावर फाइव है मैक्सिमम इसका मतलब कोई भी केस में हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स विल ऑलवेज बी लेस देन टू इंटू टेन की पावर फाइव ठीक है मतलब कि अगर मान लो एन की वैल्यू फाइव है ठीक है तो हंड्रेड वन जीरो वन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड ठीक है पांच नंबर से उनकी वैल्यू एन के कंपेयर में बहुत बड़ी है लेकिन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने हैं पांच इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एन की वैल्यू ही फाइव है ठीक है हो सकता है डिस्टिंग नंबर्स कम भी हो इसमें चार डिस्टिंग नंबर है तो अगर हम इन बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यूज के साथ मैप कर दे तो हमारी रेंज है वो टू इंटू टेन की पावर फाइव की हो जाएगी ठीक है कैसे मान लो ये एग्जांपल है ठीक है यहां पे फोर हंड्रेड ही है इसको अगर मैं जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको जीरो से रिप्लेस कर दू और फिर आगे मूव करता जाऊं तो हंड्रेड को जीरो से रिप्लेस करेंगे वन जीरो वन को वन से रिप्लेस करेंगे टू हंड्रेड को टू से रिप्लेस करेंगे थ्री हंड्रेड को थ्री से रिप्लेस करेंगे और फोर हंड्रेड को फोर से रिप्लेस करेंगे अभी ये अगर थ्री होता तो इसको भी थ्री से ही रिप्लेस करते ठीक है इससे क्या होगा क्योंकि एन की वैल्यू ट्वेंट टू टेन की पावर फाइव है मैक्सिमम तो मैक्सिमम डिस्टिंग नंबर जो है एर एम ए वो भी ट्वेंटून की पावर फाइव से ज्यादा नहीं हो सकते तो अगर हम उसको मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दे और फिर डिस्टिंक्ट नंबर्स को ज़ीरो वन टू थ्री ऐसे रिप्लेस करते जाए तो वो टू इंटू टेन की पावर फाइव के ऑर्डर का हो जाएगा ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इस बेसिस पे सेगमेंट्री बना सकते हैं ठीक है मैपिंग करके तो हमारी सेगमेंट्री का जो रिक्वायर्ड जो एरे का साइज है वो टेन की पावर सिक्स इनफ हो जाएगा क्योंकि हमारी जो रेंज होगी वो फिर ऑफ आई की रेंज वो टू इंटू टेन की पावर फाइव की रेंज हो जाएगी हम जैसे ही उनको मैप कर देंगे कंप्रेस कर देंगे ठीक है तो इसकी मदद मतलब से हम सेगमेंट्री को फ, 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 फिल कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं क्वेरी कर सकते हैं। जब हम ये कर सकते हैं ओके इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हंड्रेड है यहाँ पे भी हंड्रेड है यहाँ पे टू हंड्रेड है ठीक है तो इसको जीरो से इसको जीरो से इसको वन सेवन रिप्लेस कर दिया अब मैंने अगर जो अपनी सेगमेंट्री है उनमें इन वैल्यूज को अपडेट किया है ठीक है तो यहां पे जब मैं पहुंचूंगा तब मुझे क्या मिलेगा तब पहले तो मुझे फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे कम कितने हैं तो दो है दो जीरोज है यहां पे भी टू हंड्रेड के करस्पॉन्डिंग दो हंड्रेड है ठीक है प्रॉब्लम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन और ग्रेटर देन में नहीं आएगा प्रॉब्लम किस में आएगा कि उनका सम क्या है ठीक है तो हम जब भी सम की बात होगी कहीं भी अगर वैल्यू ऐड करने की बात होगी मतलब Q1, Q2 इनकी बात होगी तो हम क्या करेंगे तब हम ओरिजिनल वैल्यू लेंगे वो कैसे करेंगे जब मान लो मेरा ए एरे है वो है 100, 200, 100, 300, ये है ठीक है तो ये हो गया जीरो ये हो गया वन ये हो गया जीरो और ये हो गया टू ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स छोटे बड़े तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे लेकिन उनका सम प्रॉब्लम करेगा ठीक है दो हंड्रेड का सम टू हंड्रेड है और दो तो जीरो से मैप वैल्यू क्या करता है एक तरह से है तो मैप में हम क्या करेंगे ये जो है, उसके करेस्पॉन्डिंग ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो स्टोर कर लेंगे सो एम पी ऑफ जीरो हंड्रेड ठीक एमपी ऑफ टू हंड्रेड इज वन ठीक है तो जब बी वन और सी वन हमें फिल करने इंडेक्सेस तब तो हम क्या करेंगे मैं क्वेरी लिख देता हूं बी वन और बी टू क्लियर लिख देता हूं बाकी सिमिलर होगी मान लो अपडेट करना है मुझे बी वन को ठीक है तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो जीरो है वो जीरो से लेके टू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हमें पता चल गया है कि एन की वैल्यू टूट की पावर फाइव है तो कंप्रेस करने के बाद ए ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू भी उतनी ही होगी क्योंकि उतने ही डिस्टिंग नंबर्स होंगे ठीक है अब हम जो कंप्रेस्ड वैल्यू है उसको ही एज ए इंडेक्स ट्रीट करेंगे क्योंकि हमारे जो सेगमेंट री है वो इस रेंज का चाहिए तो इसका इंडेक्स हो जाएगा ए ऑफ जे जो कि कंप्रेस्ड वैल्यू है ठीक है ओके okay. और उसकी काउंटिंग एक से बढ़ानी है और बी वन सेगमेंट्री है ठीक है अब अपडेट जीरो इंडेक्स है वो जीरो से टू इंटू टेन की पावर फाइव तक की वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे ए ऑफ जे इंडेक्स की ही वैल्यू बढ़ानी है लेकिन वैल्यू कितनी बढ़ानी है एम पी ऑफ ए ऑफ जे इतनी बड़ा नहीं है और बी टू सेगमेंट्री है यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं काउंटिंग बढ़ा रहे हैं तो काउंटिंग में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वन पास कर दिया अब ये जो कंप्रेस्ड वैल्यू है मतलब जो कंप्रेस्ड वैल्यू आएगी उसी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में हमें बी वन और बी टू को अपडेट करना है लेकिन वहां पर हम सम को किससे अपडेट करेंगे मैपिंग ऑफ ए ऑफ जे से ठीक है तो अगर ए की वैल्यू पहले मेरे पास हंड्रेड 200 और 300 थी तो अब ए की वैल्यू क्या है वन और टू है ठीक है तो जीरो के करस्पॉन्डिंग एम पी की वैल्यू क्या है हंड्रेड वन के करस्पोन्डिंग मैप की वैल्यू क्या है मैपिंग टू हंड्रेड और टू के करेस्पोंडिंग मैप की वैल्यू क्या है थ्री हंड्रेड तो जब हम बी टू को अपडेट करेंगे क्योंकि बी टू क्या रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ एलिमेंट्स तो वहां पे हम एम पी ऑफ एफ जे को पास करेंगे क्योंकि ओरिजिनल एरे को तो हमने कंप्रेस कर दिया है तो यहां से हमारा जो सेगमेंट्री के इंडेक्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे सेगमेंट्री इस हो जाएगा और उनकी वैल्यूज में हम ये पास करेंगे ठीक है और यह हमें हर बात पे ध्यान रखना है यहां पे भी और एंड में सभी इंडेक्सेस के लिए जब हम ये रन करते हैं ए वन ऑफ जे डॉट फर्स्ट इन ए वन ए टू ऑफ जे डॉट फर्स्ट मतलब कि पी वन और पी टू इन टू मिडल एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन अब जब हम देखते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन और राइट हैंड साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्वेरी की मदद से आएगा तो वहाँ पे तो क्योंकि हमने अपडेट में ही मैपिंग वैल्यू डाली है तो क्वेरी में भी हमें ओरिजिनल वैल्यू ही मिलेगी लेकिन यहाँ पर गलती से ए ऑफ जे मत कर देना ठीक है क्योंकि ये कंप्रेस्ड वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या करना है एम पी ऑफ ए ऑफ जे ठीक है तो ये सेगमेंट की मदद से हो जाएगा अब ये मैपिंग में भी एक फुल लूप लगेगा ठीक है तो अब उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ दो एन या टू एन जितना लगेगा तो ओवरऑल हमारे क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एन लॉग एन ठीक है बिग ओ ऑफ एन लॉग एन सो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा काफी अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था सेगमेंट का एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है चार चार सेगमेंट का यूज़ हो रहा है आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा और जो सोल्यूशन का कोड है वो मैंने कॉमेंट में भी प्रोवाइड किया है थैंक यू